तो भाई तेरा जो इंडिया में तेरा एक्सपीरियंस था वो कैसा था मतलब तेरा बैकग्राउंड क्या है इंडिया में मतलब क्या किया और कौन सी जॉब तूने करी वहाँ पे बेसिकली यार मैंने बैचलर की थी कंप्यूटर साइंस में उसके बाद मैं सीधा लगा एन हीट में और वहाँ पे मैं लगा था एज बींग कॉन्फिकेशन एनलिस्ट ठीक है जो मेरा टाइटल था बट आई स्टार्टेड विद बैक एंड उनका एक सॉफ्टवेयर था परवेसिव जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स पर काम किया असेंचर वॉज वन ऑफ देम असेंचर आई बी एम सो क्लाइंट आई मेड देम लाइफ सो वो जो क्लाइंट्स थे लाइक जो सॉफ्टवेयर जो तुम ऑपरेट कर रहे थे वो सॉफ्टवेयर उन क्लाइंट्स को बेसिकली एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा था बेसिकली क्या था कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं आपके पास डेटा लेके कि हमारे पास लाइक टू लैक एम्प्लॉय का डेटा है एंड यू हैव टू हैंडल दैट तो बेसिकली वो टेबल्स में डलवाना है उसकी एंट्री कराना उसके लिए वो बेसिकली सॉफ्टवेयर था ओके सो दैट वाज नॉट इजी टू लर्न सो जब आप एमएनसी में जाते हो वो आपकी ट्रेनिंग पीरियड होता है राइट right? yeah. आपको सिस्टम अलॉट होता है बट उसके अंदर काफी सारी पॉलिटिक्स भी होती है वो तो हर जगह है भाई राइट right? तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे साथ एक और ट्रेनी लड़की थी एंड दैट uh, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई टू मी ओके बट एक्सपेक्टेशन सेम रखी गई थी अच्छा तो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आई जस्ट ग्राफ ट्रेनिंग हुई आई मेड द टू क्लाइंट्स लाइफ बाय माय ओन अचर एंड आईबीएम ओके एंड दैट वाज नॉट स्मॉल स्मॉल क्लाइंट्स ब्रो लाइक like, uh, वो बहुत मेजर एक्जैक्टली एग्जैक्टली लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज आई बी एम एंड देने सेंचर भी एक छोटी कंपनी है लाइक फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनी सो इट्स अ बिग डील लाइक दो बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करना अकेले और अफकोर्स लाइक like, जो तुम बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स होना और ये सब उसके बीच में ऐसे हैंडल करना इज अ कमेंडेबल जॉब सो अफकोर्स लाइक कितना टाइम वहाँ पर काम किया यार मैंने दो साल काम किया और विद इन फोर मंथ्स मैंने वो सारा प्रोसेस सीखा और जब मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया मेरी लाइफ थोड़ी इजी होने वाली थी उस कंपनी के अंदर माय मैनेजर स्विच्ड एंड दे पुट मी इन अ डिफरेंट टीम एंड आई वाज स्विच टू अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड केंटिको तो केंटिको इज बेसिकली लाइक आई वाज इन फ्रंट डेवलपमेंट फ्रंट डेवलपर जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी सो so, एकदम से ही स्विच कर दिया लाइक like, एक तुम सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहे हो एक टाइम पे क्लाइंट का राइट right? और उसके बाद एकदम से ही तुम्हारे मैनेजर चेंज हुए और तुम्हारे को किसी और प्रोफाइल में डाल दिया विदाउट इवन चेकिंग तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है और अभी इस इन दिस पर्टिकुलर कंपनी तुम क्या काम कर रहे हो यार yeah, बेसिकली वो क्रॉस फंक्शनल आपको बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने रिसोर्सेज पे पैसा नहीं खर्चना है राइट right? तो उन्होंने मुझे इस टीम से निकाल के दूसरी टीम में डाला एंड वहां पे बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया एंड बेसिकली वी वर इंटीग्रेटिंग ट्वेंटी क्लाइंट्स राइट वन टी वन क्लाइंट्स एंड uh, वो कैनेडियन प्रोसेस ही था आई वॉज वर्किंग फॉर कैनिडियन फॉर्म्स जिसमें असीना रॉजर्स कैनेडा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ द इंश्योर डिजर्ड एम एन लाइक सारे थे उसके अंदर ओके okay. तो बेसिकली मैंने उन सारी वेबसाइट्स पे काम किया एंड वी केम इन टू लाइक एंड दैट वॉज नॉट स्मॉल टास्क बिकॉज वी आर अपग्रेडिंग दम फ्राम तो वो अपग्रेडेशन चल रहा था तो बहुत थोड़ा सा मैसअप हुआ क्योंकि आई वॉज न्यू टू दैट प्रोसेस तो बहुत सारा टाइम करना पड़ता है और like, कंटिन्यूसली हम उसी काम, काम कर रहे हैं और, है, और एकदम से हमें हटा के दूसरे में डाल दो तो एक हमारा ना एक नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर वो अजीब से लगता है कि यार, से साथ ये वक्त बदल गया और क्या हो रहा है मेरे साथ लाइक like, right? बदल गया जज्बा बदल गए और आपका क्योंकि जब आप एक प्रोसेस सीख रहे हो आपकी बहुत जान लगती है यू हैव टू गो महीने या चार महीने छ महीनेंग वि का टाइम बहुत ही अलग सा होता है आई बिलीव राइट सो अगर आपके मैनेजर है या आप किसी सीनियर से आप कोई के टी ले रहे हो ना

उस कंपनी का एटमोस्फियर मैं ये नहीं कहूंगा मतलब जनरली मैंने अपने फ्रेंड से भी मेरे और लोग भी काम कर रहे थे MNCB, yeah. तो उनसे पूछा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट बट यू हैव टू गेट द जॉब डन एक्टली मैनेजर को भी मैं गलत नहीं ठहराऊंगा क्योंकि उसके प्रेशर अब रहो क्योंकि मैनेजमेंट कॉल्स में हम नहीं होते वो होते वो होते हैं बिल्कुल सही बात है

बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने बैकेंड के बारे में सीखा फ्रंट एंड के बारे में सीखा कॉर्पोरेट कल्चर्स के, के बारे में सीखा तो एक्सपीरियंस तो मिला ब्रो फाउंड दिस क्लिप इंटरेस्टिंग एंड यू न सी द होल एपिसोड यू कैन गो टू द कैनेडियन विंग्स चैनल एंड एंजॉय द होल एपिसोड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द कैनेडियन विंग्स एज वेल एज द अनटोल्ड कैनेडा